जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। तो प्यारे बच्चों, नीट में कुछ घंटे बचे हैं और निश्चित रूप से आप सबको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन भी होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो होगा यही कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमने कई सालों से देखा है। दो तीन चीजें बच्चों आप लोगों से हम बोलेंगे। पॉइंट नंबर वन, ये सोच के मत जाना कि पेपर कैसा आएगा, या पहले से कोई माइंड फ्रेम मत बना देना कि पेपर ऐसा होगा। जैसे 2021 में फिजिक्स टफ था, बच्चों ने सोचा फिजिक्स टफ होगी, बायोलॉजी होगी। तो इस सोच में क्या किया, कुछ बच्चों ने पहले बायो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने भी किया होगा, और बायो में इतना टाइम लग गया कि फिजिक्स में पहुंच नहीं पाए, और जबकि फिजिक्स में स्कोर किया जा सकता था। तो नीट बेटा एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें पेपर के पहले का 10 मिनट और पेपर के बाद का 5 मिनट ये बहुत डिसाइडिंग होता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई बता देगा अरे सेंटर वहां पे है, पहुंच जाओगे, रास्ते में जाम लगता, तमाम चीजें होती हैं। और अगर तुम एक तो पेपर के टाइम पर तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है बहुत तेजी से, और अगर तुम सेंटर पे ऐसे पहुंचे कि अगर ऐसा हो गया, मान लो तुम्हारी तैयारी चाहे 700 आ रहा होगा, सुन लो ध्यान से, कि तुम उस समय सेंटर पहुंच रहे हो जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो तुम्हें हाय राम पता नहीं क्या होगा। तो वो 15 मिनट तुमको लग जाएगा अपने बॉडी के मैकेनिज्म को, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में। इसलिए कोई कुछ भी कहे बेटा, हम लोगों ने क्लास 1 से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा है उसका फैसला 7 तारीख को होना है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बेटा हमें करना यह है कि एक तो पहले पहुंचना है, नंबर 1, हर हाल में। दूसरा ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जब सेंटर पे जा रहे हैं तो आपके पेट में कुछ हो स्टमक में, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, भूख लगती नहीं है, और भूख लगती नहीं, खाना खाओगे नहीं, खाना खाओगे नहीं तो फिर इसको ग्लूकोज मिलेगा नहीं, राइट? तो ब्रेन को नेचुरल ढंग से मिल रहा है ग्लूकोज। वैसे तो चलो ठीक है, हार्मोनल एक्शन है, इंसुलिन ग्लूकागन अपना करेगा कुछ, लेकिन उसको नहीं काम करने देना है, नेचुरल ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मॉर्निंग में लिखना है कि आज मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे खुशी का दिन है, और आज इसको हमें खुशी खुशी बिताना है। आई हैव टू इंजॉय द डेट ऑफ 7th मई, इंजॉय करना है, मेरे लिए फेस्टिवल है। और लाइफ में कुछ ही इवेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक जन्म होता है, एक शादी होती है, और भी तमाम चीजें, ये भी एक तरह से आपका जन्म होने जा रहा है 7 तारीख को। तो जैसे इस जन्म को मां बाप ने सेलिब्रेट किया, वैसे 7 मई का जो आपका अपना जन्म हो रहा है, जिसको आप पैदा करने जा रहे हो एक डॉक्टर बनकर, उसको आपको सेलिब्रेट करना है। और जब कुछ सेलिब्रेट करते तो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, खुश होते हैं, है ना? तो खुश होके जाना है, टेंशन नहीं, खुशी से जाना है, और पहले जाना है। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो पहले नहीं पहुंच जाते हैं, है? तो 15-20-25 मिनट पहले पहुंच जाओ। तो उसमें क्या होगा बेटा, वो तुम्हारा 15 मिनट, तुम्हारा होम्योस्टेसिस सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद हल्का सा बेंच पर, यस आज हम अपना बेस्ट देंगे, हर हाल में देंगे। आज से नीट तक बिल्कुल सोच लीजिए अच्छे से कि आपको गुस्सा नहीं होना किसी पे। वो पिक्चर देखी थी ना, कि जब वो गुस्सा होता था तो स्माइल करता था, 3 इडियट्स, है ना? तो इसके बाद ये सोचना है कि पेपर जैसा सोच के जा रहे वैसा नहीं आना है। उसके बाद ये सोच के जाना है कि जितना हमने टेस्ट दिया किसी ने नहीं दिया है। उसके बाद ये सोच के जाना है कि हमने इतने पेपर दिए हैं, और उस समय 5 मिनट यही रिकॉल करना कि तुमने क्या क्या गलती की है साल भर पेपर में, राइट? पेपर जमा करने से जब लास्ट का 10 मिनट बचे, तो उस लास्ट के 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, जो सवाल किया है उसको अच्छे से देखेंगे, गोला सही भरा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ बेटा, 3-4 गोले घर भर जाते हैं, वो कहानी, क्योंकि 7 तारीख के बाद एक एक नंबर पे आपको गुस्सा आएगी, एक एक क्वेश्चन पे, यार ये सही हो सकता था। और इसे दुखी मत होना, जितना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कभी उतना एक्शन स्पेक्ट्रम नहीं होता,
समझ रहे हैं ना, जितनी लाइट पड़ती है उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती, जितनी एब्जॉर्ब होती है उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और बाकी बिल्कुल खुश रहिए, और अब घर से बाहर मत निकलिए, निकलिए तो वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक। और जितने भी शौक तुम्हें हैं सारे शौक कर लो, छह अच्छे से कपड़े पहनो, खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है ना, बिल्कुल पॉजिटिव मूड में। अगर तुम एंग्जाइटी के फेज में आए, ये पढ़ लें, कोचिंग में आए टेस्ट देने तो लगता पढ़ लेते, पढ़ रहे होते तो लगता टेस्ट दे देते, ये मत करना। अब जो भी करना डिफाइन करना, दो ऑफलाइन टेस्ट हैं आपके, राइट। तो पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हमारे सब एसआरबी बैच के बच्चे हैं जो बिल्कुल 650 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं और नीट में बिल्कुल डंका बजाने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट बेटा, यस। ये मेरी ब्लेसिंग सारे ही बच्चों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, जो कोचिंग में है, जो टेस्ट दे रहे हैं। अब दो दो लाइन जरा बता दीजिए, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, ठीक लग रहा है। हाँ सर, नीट फोड़ेंगे। हाँ एकदम। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, अभी आप दीवारे अभी आप बताएं, और अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, अच्छा लग रहा है। पक्का फूटेगा नीट बढ़िया से जी। अच्छा कॉलेज में जाना है। हाँ अच्छा लग रहा है सर। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर, मिलेगा कॉलेज। अच्छा, नींद उद ले रहे हो पूरी? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? यस, खाते पीते रहता है। हाँ अच्छा लग रहा है सर, पक्का कॉन्फिडेंट एकदम। यस, ये बात होती है। कोई हाँ बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा लग रहा है सर। ग्रेट, बढ़िया लग रहा है सर। अभी बात करके कैसा लगा? बढ़िया लगा। ठीक है, हाथ तो मिला लिया भैया, कैसा लग रहा है? एनर्जी मिल गई सर। ग्रेट सर, काफी सही लग रहा है। वेरी गुड। तो लास्ट टाइम पे बच्चों को थोड़ी सपोर्ट और पॉजिटिविटी की जरूरत होती, वही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अम्बेडकर नगर तो वैसे ही फेमस सिलेक्शन के लिए भाई, ठीक है। हाँ खाते पीते रहना, तुम नीट तक उड़ मत जाना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वाक वाक करते रहो, तो हम लोग कभी कभी शाम को या सुबह चलेंगे वाक पे, मिलते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं सबको, और 7 तारीख से डरना नहीं है, एकदम नीट तो फूटेगा ही फूटेगा, और नंबर कितने आए उसकी चिंता मत करना, क्योंकि नंबर जैसे भी आएंगे आपके अच्छे आएंगे। पेपर टफ हुआ तो मेरिट लो जाएगी, पेपर इजी हुआ तो मेरिट हाई जाएगी। तो पेपर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग, पेपर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग, क्योंकि हमारी रिलेटिव परफॉर्मेंस देख रही है। 550 पे सिलेक्शन होते थे, 560 पे होते थे, 570 पे होते थे, है ना। अब आप लोग जाइए पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग भी बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करना, वीडियो देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत।